हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको बताने वाले हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के क्रम में स्नातक प्रथम और सेमेस्टर सत्र 2021-22 की परीक्षा के संदर्भ में जो प्रश्न पत्रों का प्रारूप है, परीक्षा की व्यवस्था संबंधी अस्थायी दिशा निर्देश जो संलग्न कर प्रस्तुत किया जा रहा है, तदनुसार संबंधित छात्र छात्राओं को अवगत कराते हुए आवश्यक अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें। तो जो 2020 के अंतर्गत 21-22 की जो सेमेस्टर वाइज परीक्षाएं हैं, उन्हें प्रश्न पत्र किस प्रकार से तैयार किए जाएंगे, किस प्रकार से आपका आंतरिक मूल्यांकन होगा, तो ये सारी चीज इस वीडियो के अंतर्गत कवर करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आप ध्यान से देखिएगा और आराम से समझिएगा। जो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, आप कमेंट्स करिए। अगर आप जिसको समझ में आता है उस कमेंट्स का उत्तर देने लायक, तो उसको उत्तर वहीं पर आप ही खुद जो है आप सॉल्व कर दे। हो सकता है मैं उत्तर देने में थोड़ा सा मुझे टाइम लग जाए समय की वजह से। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न पत्र आने वाले हैं और क्या क्या आपको ध्यान में रखने वाली बातें हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के तहत स्नातक प्रथम सेमेस्टर में 21-22 की जो परीक्षा के संदर्भ में जो प्रश्नावली है, विश्वविद्यालय जारी के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अस्थायी संशोधन 11/11/2021 के अंकित उपबंधों क्रम में स्नातक प्रथम सेमेस्टर 2021-22 की परीक्षा आपका इधर सेमेस्टर वाइज जो पेपर होने आने वाले कुछ ही समय में आपका स्टार्ट हो जाएगा। प्रारूप एवं परीक्षा संचालन व्यवस्थित क्रमानुसार निर्धारित किया जाता है। तो आप उत्तर प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय से हैं तो आपके लिए नोटिफिकेशन बहुत अनिवार्य है। आपको हर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आपको अपलोड ही मिल जाएगी। सभी विषयों 3 मेजर विषय, 1 इलेक्टिव विषय, 1 वेकेशनल विषय, एवं 1 अनिवार्य विषय को करिकुलर विषय से संबंधित प्रत्येक प्रश्न पत्र की परीक्षा 100 की होगी। प्रायोगिक कार्यक्रम परीक्षा भी आपकी 100 नंबर की होगी। तो शासनादेश की जो संख्या, इसमें 31 अक्टूबर 2021 में यूजीसी के वेबसाइट पर आपके जो गाइडलाइन है वो लिखित है, उसके अनुसार पे आपका तुलनात्मक और रिलेटिव पॉइंट दिया गया है। तो उसी के अनुसार से पेपर होगा, जिसमें आपका 25% इंटरनल और 75% बाह्य मूल्यांकन होगा। तो 3 मेजर विषय में 1 इलेक्टिव विषय में परीक्षा 25% सतत आंतरिक मूल्यांकन और 75 बाह्य मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा, जैसे कि आपको पहले भी पता है। तो 3 मेजर विषयों में 1 इलेक्टिव विषय के मूल्यांकन 25 अंक विभाजन किए जाएंगे। 25 अंक किस प्रकार से विभाजन किए जाएंगे, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया होगा। अगर प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया की यूनिवर्सिटी के आप देखे होंगे सारे वीडियोस, तो आपको बता होगा उसमें मैंने एक बताया था कि आंतरिक मूल्यांकन आपके डिसिप्लिन पर आधारित है। देखिए वही चीज यहाँ पर आपको मिल रहा है कि 5 अंक आपको किस प्रकार से वितरण किए जाएंगे। जो छात्र 95 से 100% के बीच में होगा 5 अंक, 85 से 94 में 4 अंक, 80 से 84 3 अंक, 75 से 79 में 2 और उसके नीचे जो भी आएंगे उनको 1 अंक प्रदान किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये हो गया आपको 5 नंबर। उसके बाद छात्र को प्रदान किए गए असाइनमेंट एवं असाइनमेंट प्रोजेक्ट में जो है 5 नंबर होंगे। प्रत्येक छात्रों द्वारा आपका 500 से 1500 शब्दों तक होगा। हस्तलिखित तथा प्रिंटेड प्रारूप में एक असाइनमेंट जमा हो, जिसके विषय के प्राध्यापक द्वारा आपको 5 नंबर आपको मूल्यांकन के दिया जाएगा। उसके बाद आपका होगा कि प्राध्यापक यदि उचित समझे तो असाइनमेंट के साथ पीपीटी प्रस्तुत करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाए। ऐसी दशा में 5 अंकों वितरण विवेकानुसार जमा किए गए असाइनमेंट प्रस्तुतिकरण की पृथक पृथक मूल्यांकन पर होगा। जमा द्वारा किए गए असाइनमेंट अंतिम परिणाम घोषित होने के 2 माह आगे तक सुरक्षित रखा जाना होगा। उसके बाद आपका खगा में है कि संबंधित विषय के छात्र मिड सेमेस्टर सेशनल टेस्ट सापेक्ष 15 अंक निर्धारित होंगे। विषय के संदर्भ में छात्र प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए पृथक रूप से 15 अंकों की मिड सेमेस्टर टेस्ट सेशनल परीक्षा देने होगी। यह परीक्षा महाविद्यालय के आंतरिक व्यवस्था के अंतर्गत संपन्न कराई जाएगी। प्रश्न पत्र कुछ 5 प्रश्नों के उत्तर 1 घंटे के समय में देने होंगे। यह प्रश्न प्रथम प्रश्न पत्र के लिए 2 अंक निर्धारित होंगे तथा प्रश्नों की संरचना इस प्रकार होगी, छात्र उसका उत्तर 10 से 20 शब्दों में दे सके। दूसरे, तीसरे और चौथे के लिए 3-3 अंक निर्धारित होंगे। प्रश्न संरचना इस प्रकार होगी, उसका उत्तर आपको 40 से 50 शब्दों में देना है। उसके आगे आपका पांचवा जो प्रश्न पत्र है, 5वें प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित होंगे। इस प्रकार होगा कि आप 70 से 90 के अंदर शब्दों के अंतर्गत दे सके। आप समझ रहे होंगे, मैं थोड़ा सा जल्दी बताने का प्रयास कर रहा हूँ। उसके बाद आपका घा है कि छात्र मिड सेमेस्टर टेस्ट सेशनल टेस्ट के मूल्यांकन और परीक्षा संबंधी अन्य व्यवस्थाएं महाविद्यालय द्वारा आंतरिक स्तर पर निम्नवत निर्धारित की जाएंगी। प्रत्येक विषय का मिड सेमेस्टर टेस्ट सेशनल संबंधित विषयाध्यापक महाविद्यालय द्वारा निर्धारित समय सारणी के अंतर्गत संपन्न कराएंगे। विषयाध्यापक छात्र द्वारा अंकित उत्तरों को सापेक्ष मूल्यांकन करेंगे। यदि अर्थात यदि छात्र ने किसी भी प्रश्न का आधा उत्तर सही लिखा तो उसे प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित अंकों का आधा प्रदान किया जाएगा। यानी आपको
50% लिखे हैं, 50% जितना आपने उसका आंसर दिया है उतना आपको मिलेगा। तो नंबर तो आप जितना हो सके उतना लिखिए, जितना आपको आता हो कम से कम उतना नंबर आपको मिल जाएगा। उसके बाद है कि सेशनल टेस्ट के लिए प्रत्येक छात्र के विषय से प्रत्येक पूरा 40 पृष्ठ पर रजिस्टर बनाएगा, जिस पर वह प्रश्नों को उत्तर अंकित करेगा। प्रत्येक विषय के प्रश्न रजिस्टर प्रथम पृष्ठ पर छात्र द्वारा स्पष्ट रूप से अपना नाम, तो सारी चीज़ें जो हैं आपकी वो आप वहाँ पर लिखिए। और मूल्यांकन के दौरान जो टेस्ट रजिस्टर है वो वितरण देखने प्रदर्शित की जाएगी, और लोकल में हस्ताक्षर उत्तर पुस्तिका टेस्ट में करवाने के लिए ये सारी चीज़ें हैं जो आपको मूल्यांकन के समय में किया जाएगा। यहाँ पर देखिए कि आपका जो ये वाला पेपर है कि सेशनल टेस्ट के लिए संबंधित विषय अध्यापक द्वारा निर्मित प्रश्न पत्रों को परीक्षा के ब्लैक बोर्ड पर परीक्षा के प्रारंभ में अंकित करते हुए छात्रों को संबंधित प्रश्न पत्र उत्तर पुस्तिका के द्वितीय पृष्ठ पर लिखने के लिए निर्देश किया जाएगा। इस कार्य के लिए परीक्षा अवधि के निर्धारित 1 घंटे के क्रम में 15 मिनट का अतिरिक्त समय भी प्रदान किया जाएगा। प्रश्न पत्र की भाषा अंग्रेजी व हिंदी होगी, अपने अनुसार जो आप चुन सकते हैं वो आप चुनिएगा। उसके बाद है कि यहाँ पर विषय अध्यापक द्वारा ये सारी चीज़ें आपकी जो विश्वविद्यालय से कराई जाएगी, इनको आप इन पॉइंटों को आप पढ़ लीजिए, विशेष नहीं है। जो निगरानी है वही सारी चीज़ें इसमें दिया जा गया है। इस पॉइंट में आप देखिए, प्रत्येक वर्ष के क्रम में सेशनल टेस्ट से संबंधित रजिस्टर उत्तर पुस्तक महाविद्यालय द्वारा वर्ष के अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा परिणाम घोषित होने तक 2 माह तक सुरक्षित रखी जाएगी। अब 3 मेजर एक इलेक्टिव संबंधित 75 अंक आपको कहाँ से मिलेंगे? तो 75 अंक आपको परीक्षा प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय सारणी के अनुक्रम में विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किए जाएंगे। मुद्रित प्रश्न पत्र के माध्यम से संपन्न कराई जाएगी, जिसमें आपका इस प्रकार से होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए अधिकतम 75 अंक होंगे, प्रत्येक विषय के प्रश्न पत्र की 3 घंटा होगी, प्रश्न द्विभाषी हिंदी और इंग्लिश में होगा। आपको इसमें खंड निर्धारित किए जाएंगे, तो 3 खंडों में होगा प्रश्न, 3 खंडों में विभाजित किया जाएगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो खंड आ में 10 प्रश्न होगी, जिसमें आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक, उसके लिए अधिकतम 10 अंक 10 50 शब्द होंगे। सेक्शन बी में 8 प्रश्न होंगे, जिसके लिए 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, और इसके लिए 7 अंक निर्धारित होगा। तो यहाँ पर 10 और 2 20 और ये 7 और 5 प्रश्न के उत्तर होंगे, तो 7 बचे 35, तो 20 35 आपका यहाँ पर हो गया। और सेक्शन 3 जो है उसमें 4 होंगे और 2 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, तो 30 और 20 आपका ये 50, तो यहाँ से पूरे हो गए। तो परीक्षा से संबंधित सारी उत्तर पुस्तक विश्वविद्यालय महाविद्यालय को उपलब्ध कराई जाएंगी। ये सारी चीज़ें तो आपको मिलती रहेंगी, ये तो आपको पता है। तो लेकिन ये जो ये पॉइंट है, आप यहाँ पर इस चीज़ को जरूर समझ लीजिए, और ऊपर जो बताया गया है उसको भी आप एक बार जरूर ध्यान दीजिए किस प्रकार से दिया जाएगा। प्रैक्टिकल परीक्षाएं आपकी होंगी, उसके बाद अनुगमन प्रायोगिक परीक्षा में 100 अंक निर्धारित किए जाएंगे, परीक्षा के अनुसार जो भी होगा वैकेशनल। तो इस प्रकार से आपका जो पेपर होने वाला है, तो 75% आपका बाहर और 25% आपका आंतरिक होगा। आंतरिक में आपकी जो असाइनमेंट होंगे और आपका जो अटेंडेंस होगी उस अनुसार से दिया जाएगा। और यहाँ पर जो प्रैक्टिकल होगा, उस प्रैक्टिकल की जो भी गाइडलाइन है इस वीडियो के अंतर्गत दी गई है, आप इसको आसानी से जो है आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, और अच्छे तरीके से आप अपने पेपर को, अगर आप नियमित छात्र हैं तो अच्छी बात है, नहीं नियमित हैं तो 2 3 नंबर आप ऑलरेडी गंवा चुके हैं। तो ये मैं इस नोटिफिकेशन को मैं कहाँ से लेके आपको किस यूनिवर्सिटी से बता रहा हूँ, तो हर यूनिवर्सिटी में धीरे धीरे अपलोड हो ही जाएगी। बहरहाल ये मैं आपको डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और विश्वविद्यालय की वेबसाइट से लेकर मैंने इस नोटिफिकेशन को बताया है जो अपलोड की गई है। धीरे धीरे सारी सब यूनिवर्सिटियों पर ही अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप तो अगर विश्वविद्यालय कहीं भी से संबंधित हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो इसके ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नोटिफिकेशन आप अगर यहाँ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आइए। वेबसाइट पर आने के बाद आपको करना कुछ नहीं है, आपको सामने ही ये चीज़ें दिखाई दे देगी। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए स्क्रॉल करते हुए नोटिफिकेशन है, आप इसको क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें, जिनको इनके बारे में जानकारी नहीं उनको अवगत कराइए। मिलते हैं ऐसे ही अपडेट के साथ, तब तक लीजिए जय भारत।